संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट सैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, अलमरा आर्ट काउंसिल में जो इंटर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी सिंगिंग कॉम्पिटिशन का आगाज़ जो आज उसका फाइनल राउंड चल रहा है और हमारे साथ एक सिंगर मौजूद हैं सदाम, जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ के स्टूडेंट हैं। इन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया और इन्होंने आपदा परवीन का जो लिखा हुआ गाना इन्होंने जो आज पेश किया कि जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, आज इनसे ये भी सुनेंगे। सबसे पहले तारुफ करवाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। सबसे पहले मैं भी ठीक ठाक। सबसे पहले ये बताएं कि जब स्टेज पे परफॉर्मेंस आपने की, कोई दबाव था, कोई नर्वस थे आप? नहीं, इतना तो नर्वस नहीं था क्योंकि मैंने पहले भी ऐसे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया है। हाँ। तो उस वजह से कोई नर्वस की तो बात नहीं थी। अच्छा, आपदा परवीन की कोई ख़ास बात क्या, उनको आप फॉलो करते हैं और आज उन्हीं की नाम की परफॉर्मेंस की? ये आपदा परवीन एक तो पाकिस्तान का नामूर कलाकार है, उसके अलावा वो भी सिंध से, मैं भी सिंध से हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, सिंध सिंध का मसला है। हाँ, वैसे हम वहाँ सुनते भी उसको ज़्यादा हैं, आपदा परवीन, सनम मारवी, तो उस वजह से मैंने उसका सुना भी है, तो उसका गाना मुझे अच्छा भी आता था, तो इसलिए। तो कितनी देर से आप, यानी कि अगर उनको ही फॉलो कर रहे हैं, कितनी देर से कर रहे हैं, कब से आप सिंगिंग कर रहे हैं? एक्चुअली मैं तो जब भी मुझे याद है तो मैं गाता हूँ, कॉलेज में आया हूँ फिर भी मैं गा रहा हूँ। और आपदा परवीन को तो हम चाइल्डहुड से ही लाइक करते हैं। अच्छा। और सुनते आते हैं। माशाल्लाह, यानी कि वो भी सिंध से हैं तो आपने उनको भी फॉलो किया चाइल्डहुड से ही। अच्छा, इसके बाद के अब आपदा परवीन का जो अभी आपने परफॉर्मेंस दी, वही हमारे चैनल के तवसुल से। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। माशाल्लाह, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। अच्छा, आपके आवाज में थोड़ा उनकी तरह का दबाव और जज्बा देखा जाता है। हाँ, वैसे उसको तो सिंध की भी है, तो इसलिए हम जो रेप्लिकेट भी करते हैं, दैट्स व्हाई। सही। अच्छा, फैमिली बैकग्राउंड में कोई और है सिंगिंग की तरफ, या सिर्फ आप ही हैं? मैं ही हूँ। अच्छा। हाँ, वैसे मैं तो पार्टिकुलर तो नहीं गाता हूँ, मगर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जब भी जाता हूँ तो वहाँ पर गाता हूँ, फैमिली में कोई भी नहीं है। अच्छा, आज क्या कहते हैं कि पहले नंबर पे आने वाले हैं आप? एक्चुअली मैं तो परफॉर्मर था, वो तो आप ऑडियंस को पता होगा कि इसने कैसा किया। ऑडियंस और जजेस हमारे साथ। हाँ, जजेस और ऑडियंस जो थे वो तो आपको पता होगा कि इसने अगर अच्छा किया है तो इंशाल्लाह हो जाए। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। जी नाज़रीन, हमारे साथ सदाम मौजूद थे जो सिंध से यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट है। और उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे, मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।